डिफेंस में एक मंदिर है जिसमें बच्चे पूजा अर्चना करते हैं, तो उसको मंदिर के वेलफेयर के लिए मैं 1100 रुपया दे रहा हूँ। तो सभी को जय हिंद जय भारत। तो ये है अभिषेक, बड़ोगे एक बार अभी तो मोटो को चेहरा पर रोने की आई। और ये देखो पहले कैसा था और अब कैसा है। तो ये सारा जो श्रेय जाता है इसके फादर को जाता है। इन्होंने इसको पकड़ के लगा के यहाँ डिफेंस में इनकी भर्ती उड़ाई है, तो इनकी वजह से ये भर्ती हुआ है। अब आप पेरेंट्स को कुछ कहना चाहोगे? नहीं, हमारी वजह से नहीं हुआ। देखो पेरेंट्स तो हरा पेरेंट्स ये बोलता है कोई भी कोचिंग हो, लेकिन मैं विरुद्ध डिफेंस में बच्चों को 7 कोचिंग में छोड़ा है। लेकिन यहाँ कोचिंग में छोड़ने पीछे ये था कि ये बिल्कुल ध्यान रखते थे कि ये बच्चा कहाँ गलती कर रहा है, क्या हो रहा है, उसकी सुधार के लिए बोलते थे। तो मेरा तो कहना यही है कि माँ बाप का तो है ही श्रेय, लेकिन गुरु होना चाहिए, गुरु इनके जैसा नहीं मिलेगा। मैं झुंझुनू जिले में, सीकर जिले में, जयपुर जिले में सब कोचिंग देख लिया, हर कोचिंग में मैं रह के भी आया हूँ, देखा भी है, लेकिन ऐसी कोचिंग कहीं नहीं मिलती। मैं इसमें कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं हकीकत जो ग्राउंड में देखा उसके बारे में बता रहा हूँ। गालियाँ है, ये है, वो है, ये तो एक अलग चीज़ है। बच्चों को कैसे डराना वो अलग चीज़ है। गालियाँ कहाँ नहीं, माँ बाप भी गाली नहीं दे सकते क्योंकि अपनी औलाद है, इसलिए गाली नहीं दे सकते, तो वो तो होता है। लेकिन जो ये ट्रेनिंग दे रहे ना, ये एज पर ये मानो कि बंदा सेंटर से ट्रेनिंग करके बाहर आ रहा है, उसको कोई आगे की तकलीफ नहीं होगी, भर्ती हो या ना हो छोड़ो, लेकिन ये अपने दिमाग में सुधार जरूर हो जाएगा कि ये कभी समाज में गलती नहीं करेगा, इतना मेरा कहना है। अब आप अपना परिचय दो। ये भी एक फौजी है, आर्मी से रिटायर हूँ, 16 साल सर्विस करके आया हूँ, अभी मैं बैंक में जॉब कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ की कोचिंग का माहौल देखा, एज पर एक डिफेंस का माहौल नहीं है, ये फौज की एक सेंटर का माहौल है। खाने पीने में मैंने देखा, हाँ ये बहुत बड़ी जगह देखी है, खाने में जाते ही दिखाएंगे ये देते ये देते, लेकिन मैंने हकीकत में किसी डिफेंस का नाम नहीं लूंगा। मैं सिक्कर में भी 2-3 कोचिंग देखी, ये दे रहे खाने में, ये दे रहे, अच्छी बात है दे रहे हो तो, लेकिन जब भी कभी जाके देखा तो यार ये तो है नहीं, बच्चा पेट कैसे भरेगा, नाश्ते में पोहे देते हैं ये देखा मैंने। बताओ जो बंदा ग्राउंड में इतनी हार्ड वर्क करेगा वो पोहे से पेट भरेगा? नहीं भर सकता। खुद के पैसे से खाएगा तो खाने के लिए बच्चा खाएगा कब? खाने का मौका ही नहीं दे रहे, कोई कुछ नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। एक मैंने ये देखा है कुछ कोचिंगों में बच्चा कोचिंग में रहता है और शाम के टाइम में कहीं बाहर निकलता है, गलत आदत बोल ली हुई लोगों में, बीड़ी सिगरेट खनी तम्बाकू दारू तक पीते हुए देखे। लेकिन इस कोचिंग में ये रहा है कि बंदा खाता हुआ भी छोड़ सकता है, सीखने तो दूर की बात है, सीखना तो अलग चीज है, लेकिन जो खाता था उसने भी छोड़ दी। क्यों हालांकि ऐसे उसको फुर्सत ही नहीं मिली, मैं खनी खाऊं कब, मैं बीड़ी पीऊं कब। तो यहाँ का माहौल अच्छा है, मेरा तो कहना यही है। बाकी आपके बच्चा है, कोई भी किसी का बच्चा कहीं छोड़ो, मेरे को ये अर्थ नहीं है, मैं नहीं बोल रहा कि मैं इसका ऐड कर रहा हूँ वीरू में भेजो, लेकिन अपने बच्चे की लाइफ सुधारनी है तो इसमें भेजो, नहीं तो ये मेरा खड़ा है। ये मैं 4 सेंटरों 3 साल से 6 या 7 भर्ती दिखा दी, लास्ट में मेरे को भरोसा इधर रहा, मैं उनको ये बोलता था मारो तोड़ो फोड़ो मेरे को पता नहीं है, इतना छोड़ देना कि मेडिकल इनफिट ना हो, बस इसको रबड़ बना। और यदि प्यार करना है तो बच्चे से प्यार करो, उसकी आदतों से नहीं, कि मेरा बच्चा तो ये करता ही नहीं है, वो सो के इतनी बजे उठेगा, तो बेटा घर में सुलाओ उसको आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अच्छा है कोचिंग, यदि फिजिकल करना है आपको कहीं भी किसी भी फील्ड में, पुलिस में, बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, आर्मी में, तो आपको इससे अच्छी कोचिंग कहीं नहीं मिलेगी राजस्थान के अंदर। तो बाकी आपकी मर्जी है, अच्छा कोचिंग है, अच्छा कोऑपरेट है, माँ बाप के साथ भी कोऑपरेट है, खाने का मैं आधी रात कभी भी आया हूँ, खुद खाना खा के गया हूँ, कभी 12 बजे आ गया, इनको पूछता नहीं था कहाँ है, मैं मेस में खाना भी खा लिया, बच्चे से मिलके चला गया, इनको सिर्फ बात बोलता था, भाई साहब आया था, बोलते थे खाना खा के जाओ, खाना मैंने खा लिया। मैं घर में जैसा खाना वैसा ही मिलेगा, न कोई मसाला फालतू है कि बच्चे को कोई पेट जलन हो, न कोई मसाला फालतू। मैंने सुबह के टाइम में देखा इनको चने सोयाबीन पड़े मिले मेरे को मेस के अंदर, यार ये क्या है, ये बच्चे ने छोड़ दिया, अभी जो खाना खा लेगा, इतना घर में भी नहीं करते, घर में भी आप छोड़ दो थोड़ा सा बच्चे के चांटा मार देते हैं, साले इतना महंगा आता है क्यों छोड़ दिया, तो क्यों छोड़ दिया। लेकिन यहाँ तो ऐसे चल रहे हैं जैसे कोई ये गुरुद्वारे में तो भंडारा ही नहीं लगता, ऐसे चलते हैं। और उसके बाद में जो बच्चा यहाँ आके सिलेक्ट नहीं हुआ उसको कहीं भी छोड़ दो दुनिया में, कहीं नहीं हो पाएगा, हो सकता है कहीं हो भी जाए तो सेंटर से वापिस भाग के आ जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। क्यों एडी सेंटर का मैंने देखा है 20-25 बंदे अभी लाइन लगा खड़े हैं, हमारे से तो नहीं होता, यहाँ दर्द होता है वहां दर्द होता है, वो पता नहीं किस साइड से कैसे भर्ती हो गए होंगे कि वो अभी उनके आफत बनी हुई सेंटर की, कि इनको कैसे करें, उनको डेली उनका वो हो रहा है कि इनको मोटिवेट करें, आपको क्या तकलीफ है, क्यों हो रही है, क्योंकि उन्होंने पता नहीं किस साइड से कैसे करके घुसे होंगे, अभी उनसे वो तकलीफ सहन नहीं हुई।
और यहाँ सेंटर में यहाँ जो ट्रेनिंग कर गया तो ये दिमाग में माँ बाप को खुला सो जाना चाहिए कि वो बच्चा ट्रेनिंग में मेरा क्या कर रहा होगा। इससे कम ही कराते हैं, सेंटर में हमें ट्रेनिंग दिया हुआ है, इनसे आधा भी नहीं कराते। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से, कहीं छोड़ो बच्चे को, कोई आफत नहीं है, लेकिन देख के छोड़ो, देख के छोड़ रहे हैं, जहां भी छोड़ रहे हो देखो माहौल को। ये नहीं है कि किसी बोलने वाला तो कोई कुछ भी बोलेगा, हालात को देखो। सबसे अच्छा रहता है खाना और उसका फिजिकल कैसा हो रहा है। तो रिटर्न ही पहले कर दिया, तो रिटर्न पहले कर दिया। हाँ, रिटर्न का यहाँ भी होता था, मैंने का एक टीचर था, मुझसे कॉन्टेक्ट किया था, वो मेरे नियरेस्ट का था, वो जितनी मैथ पढ़ाता मैं बोला इतना पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, तो थोड़ी सी पढ़ा देगा। इनका पढ़ाएगा पहले ही देखा है, अभी तो अलग वो चीज हो गई, लेकिन पहले एक जाखड़ का था भाई साहब, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। वो इनका मैंने पढ़ाया हुआ कुछ देखा था कि सिलेबस का पूरा पढ़ा रखा है इनको, बाहर से कुछ नहीं है, तो दिक्कत कहाँ थी इनको, पढ़ाई में पहले भी दिक्कत नहीं थी। हाँ, सिर्फ आप लोगों के कंफ्यूज हो गया कि पहले एग्जाम होगा हमारा क्या होगा। अरे बाद में होता था, पहले हो जाएगा अच्छी बात है, एक टेंशन तो फ्री हुई। लेकिन इनके टेस्ट के साथ साथ इनका फिजिकल भी किसी भी टाइम एक टाइम चालू रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है टाइम कम मिलेगा। धन्यवाद, मैं तो इन्हीं की बदौलत हूँ कि इनको मतलब लास्ट समझा दिया था भाई साहब, इनको संभाल करना नहीं करना, नहीं तो तू यहीं रख लेना, तेरी खेती बाड़ी करता रहेगा। मेरे तो ये चॉइस, क्या करे, कोई रास्ते नहीं बचा था। ठीक है, बिल्कुल। तो इतनी बातें मुझे भी अपने बारे में नहीं पता थी जो इन्होंने बताई है, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये दिल से बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, मैं तो वो दाढ़ी कटिंग करवा के आया हूँ, ये आज भी अचानक ही आए हैं। हर बच्चों के हालात देखा है मैंने, यहाँ कोचिंग में आके देखा है, दोपहर में आया हूँ, शाम को आया हूँ, सुबह भी आया हूँ, हालात देखा है। ये बंदा तो मेहनत करा रहा है, करने वाला चाहिए, अंगुली पकड़ के तो कोई नहीं कराएगा। सिर्फ बच्चे को पैदा होता तो उंगली पकड़ के चला सकते हैं, उसके बाद में सबते ही करना पड़ता है। ये तो बिल्कुल यंग है, अपने खुद की डिसाइड करेंगे कि लाइफ को क्या करना है हमारे को, बाकी इनकी मर्जी है बच्चे की। लेकिन इनकी तरफ से कोई कमी नहीं है,